गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे? डे इज फ्राइडे 5th February 2021. सो टेक योर कंप्यूटर बुक. लेट्स स्टार्ट रिमेनिंग टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 9. गो पेज नंबर 102. हाउ डू कंप्यूटर वायरस स्प्रेड? कंप्यूटर का जो वायरस है वो किस तरह से हमारे कंप्यूटर में फैलता है? कंप्यूटर वायरस मूव फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर बाय अटैचिंग देमसेल्व्स टू फाइल और बूट रिकॉर्ड टू डिस्क एंड डिस्केट्स. ए वायरस इन्फेक्ट अ फाइल बाय पुटिंग इन पीस ऑफ कॉड इन द सेलेक्टेड प्रोग्राम फाइल. व्हेन ए प्रोग्राम दैट इज इन्फेक्टेड विद अ वायरस इज एग्जीक्यूटेड, द वायरस इमीडिएटली टेक्स कमांड फाइंडिंग एंड इन्फेक्टिंग अदर प्रोग्राम एंड फाइल. कंप्यूटर वायरस डिस्क और डिस्केट्स की फाइल या उनको रिकॉर्ड बूट रिकॉर्ड से खुद को जोड़कर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में चले जाते हैं. ये वायरस चयनित हमारी जो चूज़ की हुई फाइल्स होती हैं उनके कोड का एक टुकड़ा डालकर फाइल को संक्रमित करता है. जब वायरस तुरंत इस अन्य प्रोग्राम या फाइलों को ढूंढता है तो वो अन्य फाइलें भी उसकी इन्फेक्ट हो जाती है. मीन है कि कंप्यूटर का जो वायरस है वो हमारी कंप्यूटर की फाइलों से अटैच होता है. जब भी हम फाइल को उनमें सेव करते हैं, इंसर्ट करवाते हैं या एंटर करवाते हैं, सो वो फाइलों के थ्रू एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में इन्फेक्ट कर देता है. उनमें से हैं, फर्स्ट है ट्रोजन हॉर्स. ए ट्रोजन हॉर्स इज एक्चुअली प्रोग्राम टू कॉपी द यूज़र डेटा और एक्सेस राइट टू समवन एल्स. व्हेन ए ट्रोजन हॉर्स इज एक्टिवेटेड इट टिपिकली कॉज अ चेंज इन द एग्जिटिंग डेस्कटॉप आइकन और क्रिएट न्यू वन. इट मे ऑल्सो डिलीट सम इम्पॉर्टेंट सिस्टम फाइल. इट्स मे एम इज टू स्टिल सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन स्टोर ऑन द इन्फेक्टेड कंप्यूटर. ट्रोजन हॉर्स को वास्तव में उपयोगकर्ता यूज़र के डेटा या किसी अन्य के अधिकारों तक पहुँचने के लिए प्रोग्राम किया जाता है. जब एक ट्रोजन डेस्कटॉप आइकन में बदलाव का कारण बनता है या नए बनाता है तो ये महत्वपूर्ण सिस्टम फाइलों को भी हटा सकता है. और इसका महत्वपूर्ण सिस्टम इसका मुख्य उद्देश्य है कि संक्रमित कंप्यूटर पर ये वहाँ से जो उनकी इन्फॉर्मेशन जो है, कॉन्फिडेंशियल जो फाइल्स हैं या जानकारियां हैं, उन्हें चोरी करता है. नेक्स्ट है वॉर्म. ए कंप्यूटर वॉर्म इज़ प्रोग्राम कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग एंड स्प्रेडिंग इटसेल्फ टू अनदर कंप्यूटर सिस्टम इन ए नेटवर्क. दे स्लो डाउन द कंप्यूटर एंड मेकिंग इन ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द यूज़र टू वर्क ऑन इट. वॉर्म कंप्यूटर एक वर्क प्रोग्राम है. कंप्यूटर वॉर्म एक प्रोग्राम है जो एक नेटवर्क से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में खुद को पुनः पेश करने और फैलाने में सक्षम है. ये कंप्यूटर को स्लो कर देता है और उपयोगकर्ता यूज़र के लिए उस काम को करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है. टाइम वॉर्म एंड लॉजिक वॉर्म. सम वायरस फॉर रिटर्न टू एक्टिवेट ऑन अ पर्टिकुलर डेट सच एज फ्राइडे 13. द वायरस आर कॉल्ड टाइम बॉम्ब. अदर वायरस वर रिटर्न टू एक्टिवेट वेन द यूज़र कैरीज आउट ए सर्टन एक्शन सच एज ओपन ए पर्टिकुलर फाइल. दीज वायरस आर कॉल्ड लॉजिक बॉम्ब. कुछ वायरस एक विशेष तारीख को सक्रिय एक्टिव करने के लिए लिखे जाते हैं, बनाए गए हैं, जैसे कि फ्राइडे या कोई 13 डेट. तो उस डेट को ही वो वायरस अपने आप से एक्टिव हो जाएगा. सो उस एक वायरस को हम कहेंगे टाइम बॉम्ब. अन्य जो वायरस होते हैं उनको एक्टिव करने के लिए किसी एक फाइल में इस तरह से सेट किया जाता है कि जब वो फाइल या वो डेटा ओपन होगा तब वो वायरस एक्टिव होगा. सो उसे एक लॉजिक बॉम्ब के नाम से जाना जाता है. वे टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम मालवेयर. अब हमारे कंप्यूटर को हम किस तरह से मालवेयर से बचा सकते हैं? देयर आर वेरियस टेक्निक्स टू सिक्योर डेटा. एज यूज़र वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज डिटेल्स सो दैट वी आर एबल टू कीप अवर डेटा सिक्योर एंड सेफ योर मिसक्रेंट्स. डेटा को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न तकनीकें या उपयोगकर्ताओं के रूप में हमें इन विवरणों को समझने की आवश्यकता है ताकि हम अपने डेटा को सुरक्षित रख सकें. सो उसके लिए है एंटीवायरस. एंटीवायरस इज़ ए सॉफ्टवेयर यूज टू प्रिवेंट डिटेक्ट एंड रिमोट मालवेयर सच एज कंप्यूटर वायरस, मैलिशियस हैकिंग, हैकर्स, की लॉगर्स, रूट किट्स, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म्स, मैलिशियस एडवेयर एंड स्पायवेयर. द फॉलोइंग इज नेसेसरी इन ऑर्डर फॉर एन एंटीवायरस प्रोग्राम टू बी इफेक्टिव. एंटीवायरस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग मेलवेयर को रोकने, पता लगाने और हटाने के लिए किया जाता है, जैसे कि कंप्यूटर वायरस या कोई हैकिंग वाले या कोई रूट काइट, ट्रोजन हॉर्स, वॉर्म
इस तरह के जो वायरस हैं उन्हें डिटेक्ट करने के लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। इट नीड टू रन इन बैकग्राउंड टू एट द ऑल टाइम। एंटीवायरस को इसलिए यूज़ किया जाता है जिससे वो एंड और बैकग्राउंड में ऑल टाइम रन करता रहे। इट शुड बी कैप्ट अपडेटेड सो इट रिकॉग्नाइज न्यू वर्जन ऑफ मैलिशियस प्रोग्राम। इसे हम हर समय अपडेट रखना चाहिए। इट शुड हैव द कैपेबिलिटी टू स्कैन ईमेल अटैच मैन एंड फाइल एज दे आर लोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। इसमें इंटरनेट से लोड होने के साथ ईमेल और अटैचमेंट और फाइलों को स्कैन करने की भी क्षमता होनी चाहिए। द यूज़र शुड रन फुल डिस्क स्कैन पीरियडिकली उपयोगकर्ता को समय समय पर फुल डिस्क स्कैन को चलाना चाहिए। सम एग्जाम्पल ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आर मैकफी वायरस स्कैन नॉर्टन एंटीवायरस एंड कैप्रेसी एंटीवायरस। ये इनके अलग अलग यूज़ है। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल आर यूज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड इंटरनेट यूज़र फ्रॉम एक्सेसिंग प्राइवेट नेटवर्क कनेक्टेड टू द इंटरनेट स्पेशली इंटरनेट। ऑल मैसेज एंटरिंग और लिविंग द इंटरनेट पास थ्रू द फायरवॉल विच एग्जामिन ईच मैसेज एंड ब्लॉक्स दोज दैट डू नॉट मीट द स्पेसिफाइड सिक्योरिटी क्राइटेरिया। फायरवॉल का उपयोग अनिकृत इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट से जुड़े किसी निजी नेटवर्क तक पहुँचने से रोकने के लिए किया जाता है, विशेषकर ड्राइव इंट्रोनेट। सभी संदेश या फायरवॉल से इंटरनेट के पास करना या छोड़ना जो प्रत्येक संदेश की जांच करता है और उन लोगों को ब्लॉक करता है जो इस तरह को जो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो है क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स। क्रिप्टोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ द इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लान नेक्स्ट टेक्स्ट इंटू अनइंटेलिजिबल डेटा। सम इन स्पेसिफिक सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट इंक्लूड। क्रिप्टोग्राफी सूचना सुरक्षा का विज्ञान है। ये सिंपल जो लेसन होते हैं उन्हें अनजाने जो डेटा है उन्हें परिवर्तित करता है, उन्हें चेंज करता है इस प्रक्रिया के थ्रू, और कुछ विशिष्ट जो सुरक्षा आवश्यकताओं में ये शामिल है। नेक्स्ट है ऑथेंटिकेशन। द प्रोसेस ऑफ प्रोविंग वन आइडेंटिटी। ये लोगों को पहचानने में प्रोसेस करता है, हेल्प करता है। प्राइवेसी कॉन्फिडेंटली इंश्योरिंग दैट नो वन कैन रीड द मैसेज एक्सेप्ट द इंटेंडिंग रिसीवर। ये सुनिश्चित करता है कि इच्छित रिसीवर को छोड़कर कोई भी संदेश नहीं पढ़ सकता। फिर है इंटेग्रिटी। अश्योरिंग द रिसीवर दैट द रिसीविंग मैसेज हैज़ नॉट बीन अलर्ट इन एनी वे फ्रॉम द ओरिजिनल। ये हमें रिसीवर को आश्वस्त कर देता है कि जो भी हमें मैसेज या जो आया है वो उसे हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये एक तरह से वायरस है। नॉन रेपुटेशन ए मैसेजियन टू प्रूव दैट द सेंडर रियली सेंड द मैसेज। ये साबित करने के लिए कि तंत्र की विशेष प्रेषक से वास्तव में संदेश भेजा है, ये हमें कंफर्म करवा देता है कि जो अभी मैसेज आया है वो एक वायरस नहीं है। नेक्स्ट है एक्सेस अथोराइजेशन। व्हेन ए यूज़र लॉग इन टू एन अकाउंट द यूज़र आईडी एंड ग्रुप आईडी असाइन टू द अकाउंट आर एसोसिएट विद द यूज़र प्रोसेस। दीज आईडी डिटरमाइन द एक्सेस राइट्स टू द प्रोसेस। जब उपयोगकर्ता या यूज़र किसी अकाउंट में प्रवेश करता है, एंटर करता है, तो यूज़र आईडी और उसके समूह उस खाते को सौंप देता है, तो उपयोगकर्ता प्रक्रियाओं से जुड़ा रहता है। तो इसे उसे ये पता चल जाता है कि कोई भी वायरस हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे या कंप्यूटर आईडी में या हमारी कोई ग्रुप आईडी के अंदर एंटर कर रहा है और उसे हमें हटाना है। सो डेटा बैकअप एंड रिकवरी टूल। ए बैकअप रिफर्स टू कॉपिंग एंड अचीविंग टू कंप्यूटर डेटा सो इट मे बी यूज टू रिस्टोर द ओरिजिनल आफ्टर ए डेटा लूज इवेंट। इट अलाउ द डेटा टू बी स्टोर इन अनदर लोकेशन एंड वैन रिक्वायर एन इंडिविजुअल फाइल और सेट ऑफ फाइल कैन बी रिस्टोर और टू ए कंप्यूटर सिस्टम। द रिट्राइवल ऑफ फाइल यू बैकअप अप इज कॉल्ड रिस्टोरिंग दैम। एक बैकअप कंप्यूटर डेटा की नकल और उसकी को संदर्भित करता है ताकि डेटा किसी हानि घटना के बाद मूल को
यूज़ करने के लिए हम उपयोग कर सकें। यह डेटा किसी भी डेटा को एक अलग स्थान पर सेव करने की अनुमति देता है। जब हमें आवश्यकता होती है कि एक व्यक्तिगत फाइल या फाइलों का एक सेट कंप्यूटर सिस्टम में हटाया जा रहा है, तो आपके द्वारा बैकअप की हुई फाइलों को हम वापस से यूज़ कर सकते हैं, हम रिस्टोर कर सकते हैं। वाई इज़ बैकअप रिक्वायर, बैकअप की क्यों ज़रूरत होती है। डेटा लूज कैन ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ फाइल करप्शन, फायर, थेफ्ट, हार्ड डिस्क क्रैश एट्सेट्रा। इफ़ यू रेगुलरली मेक बैकअप कॉपी ऑफ फाइल ऑन योर हार्ड डिस्क एंड कीप दैम अ सेपरेट प्लेस, यू कैन गेट द लॉस्ट डेटा बैक इन एनी थिंग हैपन टू द ओरिजिनल फाइल ऑन योर कंप्यूटर। कभी भी हमारे जो डेटा है उसके साथ कभी भी कुछ भी घटना घट सकती है, चाहे वो डेटा हमारा लॉस्ट हो गया है या ख़राब हो गया है, उसकी फाइल करप्ट हो गई है, तो उस समय पर, ऐसी समय पर हमें हमारा डेटा को अगर कॉपी किया हुआ होगा तो वो वापस से यूज़ हम ले सकते हैं। वॉट टू बैकअप एंड वेयर, हम बैकअप कैसे लेते हैं और कहाँ लेते हैं। एनी फाइल और फोल्डर कंटेनिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वुड बी कैप्ट एज बैकअप। द फॉलोइंग आर सम स्टोरेज डिवाइस दैट कैन बी यूज टू बैकअप योर फाइल। एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, सीडी डीवीडी एंड यूएसबी फ्लैश ड्राइव। पहले सिम को केवल कॉपी करके उन्हें हम पा सकते हैं, ये विंडोज़ में बैकअप जो यूज़ कर सकते हैं, तो अलग अलग उसे हम सेव कर सकते हैं, जैसे हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं, सीडी डीवीडी में, यूएसबी फ्लैश ड्राइव में हम हमारा डेटा को बैकअप ले सकते हैं। हाउ टू बैकअप फाइल, फाइल्स कैन बी बैकअप backed up by simply copying and pasting them or by using the built-in backup utility in Windows to use the backup utility in Windows to the following। इस विधि में हार्ड डिस्क पर संपूर्ण डेटा कॉपी किया जाता है, ये साप्ताहिक इसमें हम हमारा जो डेटा है उसे अलग अलग विंडो को सेव कर सकते हैं। सो उसके लिए कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे, ना सिस्टम टूल में जाके हम बैकअप करेंगे। बैकअप डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, अब हमारे सामने बैकअप का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर है। हमें सबसे पहले सेलेक्ट द ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, क्रिएट ए न्यू बैकअप जॉब एंड क्लिक ओके। आफ्टर बैकअप विजार्ड विंडो अपीयर, अब हमारे सामने बैकअप की जो विजार्ड विंडो है वो ओपन होगी। सो यू कैन आइदर बैकअप एवरीथिंग ऑन योर कंप्यूटर स्पेसिफिक ड्राइव फोल्डर फाइल, अब हमारे जो डेटा है उसे हम बैकअप करना है और कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ड्राइव फोल्डर एंड फाइल, इन सभी को हमें कॉपी करना है। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन जो है वो हमें करेक्ट लेना है एंड क्लिक नेक्स्ट एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। हमें नेक्स्ट करते हुए जो भी इंस्ट्रक्शन हमें कंप्यूटर देगा वो हमें फॉलो करने हैं। बैकअप का मेथड, बैकअप के हमारे 5 मेथड हैं। सो फर्स्ट है फुल बैकअप मेथड। इन दिस मेथड द एंटायर डेटा ऑन द हार्ड डिस्क इज कॉपी, इट इज़ डन ऑन ए वीकली और मंथली बेसिक। जो फुल बैकअप है उसमें, इस विधि में हार्ड डिस्क पर संपूर्ण डेटा कॉपी किया जाता है, ये साप्ताहिक, मासिक के आधार पर भी यूज़ होता है, मंथली या वीकली हम इसमें इसे बैकअप ले सकते हैं। इंक्रीमेंटल बैकअप मेथड, इन दिस मेथड ओनली द फाइल दैट हैव मॉडिफाइड सिंस द लास्ट फुल बैकअप आर कॉपी। बैकअप लेवल आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप। इस विधि में केवल वे फाइलें जिन्हें अंतिम पूर्ण बैकअप किया था उन्हें फिर से हम बैकअप करते हैं, जैसे बैकअप की हुई फाइलों को फिर से हमें बैकअप लेना होता है। नेक्स्ट है डिफरेंटियल बैकअप मेथड, इन दिस मेथड ऑल फाइल्स दैट हैव मॉडिफाइड सिंस द लास्ट फुल बैकअप आर कॉपी। बैकअप लेवल आर यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैकअप। इस पद्धति में वे सभी फाइलें जिन्हें अंतिम पूर्ण बैकअप कॉपी किए जाने के बाद संशोधित किया गया था, बैकअप स्तर का उपयोग विभिन्न प्रकार के बैकअप के बीच अंतर करने के लिए, डिफरेंस देखने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है मिरर बैकअप मेथड, इन दिस मेथड सेलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर आर कॉपी विदाउट एनी कंप्रेशन, इट कीप्स ऑल द इंडिविजुअल फाइल सेपरेट ऑन द डिस्टेंशन। इस विधि में चयनित फाइलें जो हैं, चूज़ की हुई फाइल और फोल्डर हैं, उन्हें किसी भी जो उनकी चेंजेस होगी उसको किए बिना ही हम उन फाइलों को उस लोकेशन तक पहुंचाते हैं। एंड ऑनलाइन बैकअप, ऑनलाइन बैकअप रेफर टू द कॉपिंग द डेटा टू समवन अदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट फॉर ऑनलाइन स्टोरेज। द अदर कंप्यूटर सेट एक्ट एज ए रिमोट बैकअप। इफ़ यू
lost any file from the original computer, you can connect to the computer on the internet and restore that file. Online backup से तात्पर्य यह है कि online storage के लिए internet पर कुछ अन्य computer पर data की हम नकल से है, दूसरा computer एक remote backup के रूप में कार्य करता है और मूल computer से हम किसी भी file को खोने के कारण आप internet से वहाँ से उसे use कर सकते हैं, mean हम उसे restore कर सकते हैं. So, complete your chapter. Thank you. Have a nice day.